जान जो है मेरा बेटा जान, नॉर्मल लाइफ में वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो सबका हेल्प भी करता है, बट बिग बॉस में जाने के बाद वहां का जो माहौल, उस माहौल में एक अंडर प्रेशर में कभी कभी मुंह से कुछ निकल जाता है उसका, क्योंकि एज भी बहुत ज्यादा नहीं है। बट एक चीज तो है कि उनके मम्मी ने उनको अच्छी संस्कार दिए हैं, अच्छी शिक्षा दिए हैं, और जितना हो सके उन्होंने उनके लिए, उन लोगों के लिए किया। तो मैं कभी भी खुश नहीं था कि वो बिग बॉस में जाए। जब भी मुझे पूछा गया तो मैं एक बात बोलता था हमेशा कि नो, आई डोंट लाइक, आपको नहीं जाना चाहिए। तो जो भी है, ये उनका खुद का चॉइस था, क्योंकि वो खुद बिग बॉस शो बहुत देखते थे, बिग बॉस का बहुत फैन था, तो वो खुद ही ऑडिशन दिया। मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए, इस मामले में खुद ही ऑडिशन दिया, खुद ही सिलेक्ट हुआ, खुद ही गया अंदर, और इसमें मेरी तरफ से मैंने कोई हेल्प नहीं कर पाया। बट एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि राहुल जी, आप मेरे बेटे जैसे हो, आप मेरे बेटे जैसे हो, और आप बहुत अच्छे सिंगर हो, बहुत ही अच्छा गाना गाते हो आप, हमने आपको सुना बहुत बार, बहुत जबरदस्त गाते हो। एंड एक बात है कि कोई सेपरेटेड अगर कोई माँ बाप हो और उनके बेटे को अगर आप बार बार इस बात की याद दिलाओगे कि आपका सेपरेशन का याद दिलाओगे, तो एक सेंटीमेंट की बात होती है, बार बार सुनने के बाद किसी को मुंह से कुछ भी निकल जाता है। आई थिंक ये आपको समझना चाहिए। एंड डेफिनेटली एक सिंगर होने के नाते मेरे को बहुत इंसल्ट फील होता है जब ये सब बातें लेके, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि जो जब दो लोगों में बनते नहीं है तो आपस में बात करके डिवोर्स ले लेते हैं, अलग हो जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। बट क्या है कि आप अगर इस चीज को एक गेम जो खेलने गया आप, उसको छोड़ के आप अगर पर्सनल लाइफ को लेके अगर आप बार बार उस सेंटिमेंट में आप हैमर करते रहोगे तो वो अच्छी बात नहीं होती है। तो जो भी है, मैं आपको, देखो आप एक अच्छा सिंगर हो, आपको आप मेरे बेटे जैसे हो, तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों उस गेम में रहो, दोनों मिलजुल के प्यार के साथ रहो, एक साथ रहो, दोनों एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से गप्पे करो, बातें करो, क्योंकि एक सिंगर के साथ सिंगर का दोस्ती हो ही सकता है। सो आई वॉन्ट दैट कि आप दोनों मिलजुल के रहिए, प्रेम से रहिए, और मेरे ख्याल में पर्सनल लाइफ को जब बाहर लाते हो ना, 40 साल बाद मुझे भी एक फील हुआ, एक इंसल्ट फील हुआ कि ऐसा क्यों बोले जा रहे हैं, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, मेरे बेटे से भी कुछ गलती हुई है, आप भी मत बोला करो, दोनों प्रेम से रहा करो, मैं यही चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग सक्सेस होकर वहां से निकलो। थैंक यू।